पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, और वहाँ पे हमने वो कंडीशन सीखी थी जिसमें यूनिक सॉल्यूशन निकला था, एक सम करके देखा था। तो आज हम एक सम करके देखते हैं जिसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो प्रॉब्लम क्या आती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में वो मैं आपको बताता हूँ सम सॉल्व करके। तो सबसे पहले तो कंडीशन समझ लेते हैं कि जब इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो उसकी कंडीशन क्या होती है। उसकी कंडीशन होती है कि ए का जो रैंक होता है वो सी के रैंक के बराबर तो होता है, लेकिन ये नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होता है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही कुछ आने वाला है। देखिए, तो हमने ले लिया ये तीन इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, एक्स का कोफिशियंट कितना, 1 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे जेड का 2 4, यहाँ पे 3 1 4 1 1 1, तो 1 1 1, और वेरिएबल क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई जेड, और इक्वल टू में 4 6 1 है, तो यहाँ पे 4 6 1 लिख दिया। तो ये जो कोफिशियंट मैट्रिक्स होता है उसे ए बोलते हैं, जो अननोन्स होते हैं उन्हें एक्स बोलते हैं, और जो इक्वल टू में होता है उसे बी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया AX = B। अब हम इससे क्या करते हैं, इससे बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो ए और बी को मिला करके बनती है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी हमने बना लिया जो कि बन के कुछ इस तरीके से है। अब इस पर क्या करेंगे, हम इसके आगे हम करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं H1 फॉर्म में। उसके लिए अप्लाई करते हैं वो ऑपरेशन। उसके लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना रहता है, उसके नीचे 0 बनाना रहता है। तो ये 0 कब होगा, जब इसमें से 3 माइनस हो, यानी कि इसकी मदद से अगर इसको 0 करना है तो इसको 3 टाइम करके इसमें से माइनस कर दें, और इसको 0 करना तो इसमें से डायरेक्टली 0 माइनस कर दें। तो यही हमने करा कि R2 में से 3 टाइम R1 माइनस कर दिया, और R3 में से डायरेक्टली R1 को माइनस कर दिया। तो 3 में से 3 गए तो 0 हो गया, और ये 1 और -1 था तो -3 हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो गया यहाँ पे। और फिर इसके आगे यहाँ पे था 4 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 6, और माइनस करेंगे तो -2, और फिर इसके आगे क्या था, 6 - 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कितना, 12, और 6 में से 12 गया तो -12। अब 1 में से 1 गया तो 0 1, और -1 था तो +1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। इसके आगे 1 में से जाएगा 2 तो -1, और 1 में से 4 जाएगा तो -3। अब देखिए, हम करते हैं R3 को 0 करने के लिए हम करते हैं R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को इसमें से माइनस कर लेते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर ये 1 बना करके करें कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये इसमें तो हमने कुछ चेंज, पहली रो में तो कुछ चेंज करा नहीं है, और R1 का यूज़ किया नहीं तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आने वाला है। R2 में भी कुछ चेंज नहीं करा तो ये भी ऐसा कैसा ही आ जाएगा। R3 में हमने चेंज करा इसको 2 2 2 4 4 में से 4 गए तो 0, 1 2 2 -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, और -3 - 6 + 6 क्या हो जाएगा 0। अब हम चाहें तो इसके आगे इसको सॉल्व करें, चाहें तो नहीं सॉल्व करें, यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं ये इतना है ए और ये पूरा है सी। तो हमारे पास जो रैंक ऑफ ए आने वाला है वो नॉन जीरो को कितनी है, 2 है, 1 और 2, तीसरी को तो पूरी क्या हुई, 0 हुई, तो इसका रैंक कितना आया, 2 आया। ऐसे ही रैंक ऑफ हम सी पता करें तो कितने नॉन जीरो को कितना है, पूरे में ये वाली को तो पूरी 0 हो गई, और ये वाली को 0 नहीं हुई, तो इसका जो रैंक आता है वो भी कितना आता है, 2 ही आता है। लेकिन ये क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है हमारे पास कितने, 3 हैं, तो 3 से छोटा है। रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कैसा है, छोटा है। तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा होता है तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, है ना। यहीं से हमें ध्यान देना सम सॉल्व करते समय, ठीक है। तो जब हम यहाँ तक पता पहुँच जाते हैं उसके बाद हमें क्या करना रहता है, देखिए अब सॉल्यूशन निकल रहा था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स हम ये लेके चल रहे थे, AX = B लेके चल रहे थे,
इसी को कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में। तो ये जो मैट्रिक्स ए चेंज हुआ है वो क्या क्या चेंज हुआ है देखिए, पहली रो में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, दूसरी रो में यहाँ पे जीरो आ गया है, ठीक है, यहाँ पे जीरो आ गया है, यहाँ पे जीरो आ गया है, यहाँ पे जीरो आ गया है, ये दोनों नंबर चेंज हो गए हैं, ये फोर हो गया है, ये माइनस में टू हो गया है, यहाँ पे माइनस का सिक्स आ गया है और यहाँ पे जीरो आ गया है, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। जब हमने मदद ली मैट्रिक्स फॉर्म में जो स्टार्टिंग में इक्वेशन बनाया था ए एक्स इक्वल टू बी, करते हैं सॉल्व, यहाँ से करते हैं तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन बन के आ रहा है, इसको फिर से इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, पहला इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू फोर एज इट इज, जो पहला इक्वेशन था वैसा कर सकते। आगे जब हम सॉल्व करते तो क्या आता है, फोर वाई माइनस टू जेड इक्वल टू माइनस का सिक्स, देखो एक्स का इसमें मल्टीप्लाई तो जीरो और तीसरे में सबका सब जीरो है तो दो ही इक्वेशन है। अब हमारे पास जो है इक्वेशन है दो, वेरिएबल है तीन, है ना, सामान तो है हमारे पास तीन लेकिन रखने के लिए डिब्बे हैं कितने, दो। तो जब भी ऐसा होता है हमारे पास रखने के लिए जो डिब्बे हैं वो कम हो लेकिन सामान ज़्यादा हो, ऐसी सिचुएशन में ही आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कोई एक वेरिएबल की वैल्यू हम क्या करते हैं, अपने मन से मान लेते हैं, क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से हम मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होता ये है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें कहीं पे वन मान लिया है, कहीं पे टू मान लिया है, कहीं पे फाइव मान लिया, कहीं पे टेन मान लिया, तो वो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से जो वैल्यू मानेंगे उसे जनरली कोई कांस्टेंट मान लेंगे ताकि हम कोई भी वैल्यू उसको दे सकें। तो मान लेंगे क्या, मान लेते हैं यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना है के, और ऐसे वेरिएबल की वैल्यू मानेंगे जिससे कि हम बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। अगर एक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं और हमारे पास इक्वेशन दो है, यानी कि एक की ही वैल्यू बची पता करने के लिए। अगर ऐसा होता कि चार वेरिएबल होते और हमारे पास इक्वेशन दो ही बनते तो हम दो वेरिएबल की वैल्यू मानते, ठीक है, आया ना समझ में, आ गया तो चलते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू मान ली, इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर ए, इसको मान लेते हैं बी, तो किसमें वैल्यू रखे, इसमें वैल्यू रखे तो आसानी से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो बाय बी। तो क्या बचेगा, फोर वाई माइनस टू के माइनस में सिक्स, फोर वाई इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो टू के माइनस में सिक्स माइनस का प्लस हो गया, तो वाई इक्वल टू टू कॉमन कर लो अपॉन में फोर, ये कट गया तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, के माइनस थ्री अपॉन में टू, ये अपने मन से माना है हमने, ये वैल्यू निकाल गई। अब वाई ए, ए की मदद ले लो तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है, के माइनस थ्री अपॉन में टू प्लस टू के इक्वल टू फोर, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा फोर, ये माइनस में था उधर जाके प्लस में, के माइनस थ्री अपॉन में टू, और ये प्लस में था माइनस में टू के, एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू, और टू फोर ज़ा एट और प्लस में के माइनस में थ्री और माइनस में फोर के अपॉन में टू, कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बच जाएगा एट में से थ्री गए तो बचे फाइव माइनस थ्री के अपॉन में टू, तो एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई फाइव माइनस थ्री के अपॉन में टू। तो बस ये ध्यान रखना है हमें कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें मानना है वो के मानेंगे, के वन मानेंगे, के टू मानेंगे, के थ्री मानेंगे, वन टू ना मानो क्योंकि इसमें होगी कन्फ्यूजन, और इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब के की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी करते हैं, मान लो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया, बुक में आंसर नहीं मिल रहा है तो देख लेना के की वैल्यू, कोई वेरिएबल जो मन से माना है वो क्या माना है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो के की, जैसे मान लो बुक में मान लिया के इक्वल टू वन तो हम के इक्वल टू यहाँ वन पुट कर देंगे, तो बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे,
बुक से मैच हो रहा, तुम्हारा क्वेश्चन सही है। और वैसे भी अगर नहीं भी मैच कर रहा तो ये सारी वैल्यू एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू तीनों इक्वेशन में रख के देख लीजिए, अगर तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारा सोल्यूशन जो है सही है, बुक के आंसर की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सोल्यूशन का वीडियो हो गया। अब हम अगले लेक्चर में एक ऐसा सम सॉल्व करेंगे जिसमें तीनों कंडीशन को अपने आप बना के चेक करेंगे कि कौन सा सोल्यूशन किस कंडीशन में बनेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।